CCL Aera और KZ EDX Pro, भाई इन दोनों को कंपैरिजन की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी मुझे बहुत ही लंबे टाइम से। मैंने कहा यार ले आती हूँ। इनको कहते हैं IEM इन ईयर मॉनिटर और ये वायर्ड ईयरफोन का काम करते हैं एंड दोनों को ही मैंने हेडफोन जोन साइट से खरीदा है 1000 रुपीज के अंदर। एंड लास्ट ईयर मैंने रिव्यू किया था KZ EDX Pro को और इसको बताया था कि बेस्ट वायर्ड ईयरफोन है ये वाला, लेकिन अब CCL Aera भी 1000 के अराउंड आता है एंड कंपेयर करना तो बनता है यार कि CCL Aera लेना चाहिए या KZ EDX Pro लेना चाहिए। KZ और CC दोनों ही एक ही कंपनी के अंडर आती हैं एंड इनकी पैकेजिंग को देख लो बिल्कुल सेम है। हेडफोन जोन से लोगे तो एक साल की वारंटी भी आपको दोनों में ही मिल जाएगी। देखो दोनों ही एक जैसे दिखते हैं यार, ट्रांसपेरेंट डिजाइन ईयरबड्स की दोनों ही है, बस डिजाइन चेंज है ईयरबड्स की। बाकी जो वायर है ये भी आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएगी। 3.5mm का हेडफोन जैक आपको दोनों में ही मिलता है एंड ये जो वायर है एक्चुअली में आप इसको डिटैच कर सकते हो एंड अगर ये वायर खराब हो जाए तो हेडफोन जोन से आप ऑर्डर भी कर सकते हो वायर को सेपरेटली, लेकिन क्योंकि ये IEM बहुत ही कम प्राइस का है 1000 के अंदर एंड वायर आता है ऑलमोस्ट 700 का, तो कोई मतलब नहीं बनता कि इसके लिए आप अलग से एक पेयर खरीदो वायर का। बिग बजट वाले IEMs में आप खरीद सकते हो एंड आप देख ही सकते हो यार कि KZ का यार ये जो वायर है थोड़ा डर्टी हो गया है टाइम के साथ एंड CCA का अभी भी सही है, शानदार बिल्कुल, लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनको लगेगा ना कि ये इसका कलर ही ऐसा है, उनका ध्यान ज्यादा इस पे जाएगा कि ये जो वायर है वो ट्रांसपेरेंट है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखो दोनों ही विद एंड विदाउट माइक आते हैं एंड मैंने विद माइक वाला लिया है एंड दोनों में ही कॉलिंग मैंने कई बार की हुई है, गेम में फ्रेंड्स से बात भी की है, तो भाई दोनों के ही माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चकाचक आवाज आती है। हाँ ये मत समझना कि नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक है इसमें। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि भाई दोनों ही में से कौन सा बेस्ट है सॉन्ग सुनने के लिए। अगर आप इन दोनों को ही कंपेयर ना करो ना तो दोनों ही अपने आप में आपको अच्छा लगेगा कि साउंड बहुत ही बैलेंस्ड है, लेकिन कंपेयर तो करना ही है एंड बेस वोकल्स ट्रेबल्स तीनों ही पैरामीटर्स पे मैंने जज किया है एंड जो बेस की क्वालिटी है वो आपको CCL Aera में थोड़ी बेटर मिल जाएगी। इतना नहीं है कि बहुत ही बूम बाम टाइप पंची टाइप दोनों में बेस है, लेकिन जो क्वालिटी है हाँ हल्की सी बूमी साउंड आपको CCL Aera में बेटर मिल जाएगी। बाकी वोकल्स दोनों में ही नेचुरल है इक्वली एंड ट्रेबल्स भी ऑलमोस्ट आपको इक्वल टाइप का मिल जाएगा। जो साउंड सेपरेशन है इंस्ट्रूमेंट्स लो साउंडिंग वाले हाई साउंडिंग वाले वो सब क्लैरिटी आपको दोनों में ही मिल जाती है, लेकिन कई बार होता है ऐसा जरूर है कि यार देखो वायर जो है ना वो टैंगल हो जाता है, लेकिन बहुत ही इजिली आप इसको सुलझा सकते हो। एंड कम्फर्ट की बात करूं तो दोनों की डिजाइन एक जैसी है एंड कम्फर्ट लेवल भी मुझे एक जैसा लगा। बॉक्स में आपको ईयर कप साइज भी मिल जाएगा तो अपने कान के अकॉर्डिंग चूज कर लेना, अदरवाइज आपको डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। मैंने साउंड चेकिंग की है लैपटॉप में एंड लैपटॉप में ऐसा लगता है ना कि जो साउंड क्वालिटी है वो और बेटर आती है। ऑफ कोर्स CCL Aera बीट कर देता है KZ EDX Pro को एंड मोबाइल में यार 3.5mm कनेक्टर का यूज करना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल सिंपल वाला कनेक्टर यूज करोगे तो थोड़ी जो क्वालिटी है साउंड की वो थोड़ी चली जाती है। अगर आपको मोबाइल पे 3.5mm का कनेक्टर ढूंढना ही है तो हेडफोन जोन पे वो भी मिलता है, और अगर आप थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टाइप सी डोंगल डैक ले लेना। भाई ये लगाने से ना आपकी जो साउंड क्वालिटी है मोबाइल फोन्स में वो इंक्रीज हो जाएगी एंड ये हर प्राइस रेंज में आता है तो आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड अपने ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। सेकेंड मेथड है कि आप बर्न इन कर सकते हो। जी हाँ, बर्न इन करने के लिए मैंने लैपटॉप से अटैच कर दिया था इसको एंड डेली 3-4 आवर्स मैं बर्न इन करती थी। ये मैं 3-4 डेज तक किया, 50% वॉल्यूम पे इसको रख दिया एंड यार यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे पिंग साउंड वाले हेडफोन बर्न इन वाले। उससे क्या होता है कि जो डायनेमिक ड्राइवर्स उसमें यूज हुए हैं दोनों में ही 10mm के, ये थोड़े से खुल जाती है साउंड और थोड़ी सही आने लगती है। फिर वैसे दोनों से ही मैंने गेमिंग की है एंड वायर्ड ईयरफोन्स में एक एडवांटेज रहता है, लेटेंसी जीरो रहती है, मतलब वीडियो और ऑडियो के बीच में कोई लैग नहीं रहता है। KZ EDX Pro बिल्कुल ही परफेक्ट है गेमिंग के लिए, मतलब जो साउंड आ रही है कि एनिमी राइट से आ रहा है या गन शॉट पीछे से चली या लेफ्ट से चली बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है।
अब यहीं पे लैग कर जाता है CCA Lyra, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि एनिमी लेफ्ट से आ रहा है या पीछे से आ रहा है, गन शॉट कहाँ से चली, आपको इसका एक क्लियर आइडिया नहीं लगने वाला है। तो CCA Lyra गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन KZEDX Pro एक ऑलराउंडर काइंड ऑफ थिंग है कि साउंड भी अच्छा दे देता है, कॉलिंग भी सही हो जाती है, गेमिंग भी आप अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, आपने हेडफोन जोन की साइट पे देखा होगा कि ये सारे जितने IEM प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे लिखा रहता है ये सारे Chi-Fi एक्सीलेंस प्रोडक्ट्स है एंड चाइना का फ्लैग लगा रहेगा, तो उससे आप समझ सकते हो कि ये सारे प्रोडक्ट्स चाइना के हैं, चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये Chi-Fi एक्सीलेंस होता क्या है, क्योंकि जितने भी IEMs आप सुनोगे यार, नाम बड़े एग्जॉटिक रहते हैं इनके। Chi-Fi ऑडियो हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है एंड Chi-Fi को प्रॉपरली बोला जाए तो इसको बोलते हैं चाइनीज Hi-Fi। एंड इसमें वो सारे ही प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो एक बिग ब्रांड नहीं है, जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा। अगर आप दूसरे चाइनीज नॉक ऑफ प्रोडक्ट्स लोगे ना, जैसे फोन हो गया या टीवी हो गई, तो उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही सकती है कि स्मार्टफोन जल्दी खराब हो गया, टीवी में लाइनिंग आने लगी। लेकिन Chi-Fi एक्सीलेंस प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। Chi-Fi ऑडियो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जैसे डैक हो गया, एम्प हो गया, IEM हो गया, हेडफोन हो गया, इनकी ऑडियो क्वालिटी एक्सीलेंट रहती है। और इसका एक मेन रीजन ये है, ये Chi-Fi प्रोडक्ट्स की जो हार्डवेयर होते हैं ये वहीं पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बिग रेप्यूटेड ब्रांड्स के हार्डवेयर बनाए जाते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री हो गई, उसने ड्यूअल ड्राइवर भी बनाया, सर्किट्री भी बनाई, वायरिंग भी बनाई, एंड ये सारे ऑडियो हार्डवेयर एक रेप्यूटेड ब्रांड को भी बेचा उस फैक्ट्री ने एंड Chi-Fi ब्रांड्स को भी बेचा उस फैक्ट्री ने। तो बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है यहाँ पे फैक्ट्रीज। लेकिन एक डिफरेंस है, जब वो रेप्यूटेड ब्रांड्स को बेचती हैं ये सारी चीजें, तो उसमें जो क्वालिटी कंट्रोल रहता है बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन जब Chi-Fi प्रोडक्ट्स को यही चीजें बेचती हैं वो, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज होते हैं। हो सकता है कि मेरे पास जो IEM है KZEDX Pro वो अभी तक चल रहा है, लेकिन आपका हो सकता है कि जल्दी खराब हो जाए, तो ये वाला थोड़ा इशू रहता है। लेकिन हेडफोन जोन ने 1 साल की वारंटी दी है, तो उसका यूटिलाइज आप कर सकते हो। ये सारी कंपनीज जो है यार, बहुत ही कम प्राइस में सेल करती हैं, तो इनकी पैकेजिंग उतनी फैंसी नहीं रहती है, ना ही कोई ऐप सपोर्ट रहता है जिसमें आप इक्वलाइजर को अपने हिसाब से ट्वीक कर पाओ। तो हम जैसे लोग जिन्हें सस्ते प्राइस में बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत सही हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी Chi-Fi प्रोडक्ट्स की। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो यार, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। वैसे मैं हूँ सृष्टि, आप देख रहे हो टेकीला टी, जहां आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स। और हम लेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।